हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था प्लांट पैथोलॉजी के बारे में था। प्लांट पैथोलॉजी की कुछ जनरल बात हमने की, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में बात की। प्लांट पैथोलॉजी क्या होती है, डिजीज़ किसे बोलते हैं, कौन से साइंटिस्ट की डिजीज़ को सर्वमान्य माना जाता है, और पैथोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी में किन किन टर्म्स को हम यूज करते हैं, टर्मिनोलॉजी के बारे में बात की कि पैरासाइट क्या होता है, पैथोजेनिसिटी, सिम्टम्स, सिंड्रोम्स, होस्ट किसे बोलते हैं, कोलिटर होस्ट किसे बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी किसे बोलते हैं। तो कुछ टर्म्स हमने कल सीखे, जैसे पैरासाइट, पैथोजेनिसिटी, पैथोजेंस, होस्ट, अल्टरनेट होस्ट, कोलिटरल होस्ट, इन्फेक्शन, पैथोजेनेसिस। इसके बाद कुछ बचे हुए टर्म्स की बात करते हैं आज। जैसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है सिम्टम्स, डिजीज़ के साथ एक टर्म यूज किया जाता है कि डिजीज़ के सिम्टम्स इस प्रकार से हैं, पर्टिकुलर डिजीज़ के पर्टिकुलर टाइप के सिम्टम्स होते हैं। तो सिम्टम्स किन्हें कहा जाता है, तो सिम्टम्स की यदि हम बात करें तो सिम्टम्स क्या कहलाते हैं, आर द एक्सप्रेशन ऑफ द डिजीज़ कॉज्ड बाई द मैनिफेस्टेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ द प्लांट ड्यू टू हार्मफुल एक्टिविटी ऑफ द पैथोजन। यानी कि किसी भी पैथोजन का किसी पर्टिकुलर होस्ट में एस्टेब्लिशमेंट होने के बाद, यानी कि इन्फेक्शन होने के बाद, वो जब अपनी लाइफ साइकिल को वहाँ पर लीड करता है और अपने अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, कॉलोनाइजेशन करता है, तो उसकी जो फिजियोलॉजी कल रिएक्शंस होती हैं प्लांट्स की, क्योंकि पैथोजन की वजह से उसकी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो चुकी होती है और उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो होस्ट के सरफेस पर दिखाई देने लगते हैं। पैथोजन की हार्मफुल एक्टिविटी के कारण होस्ट के अंदर होने वाले जो चेंजेस हैं उनकी जो एक्सप्रेशन का शो होना ही सिम्टम्स कहलाता है, जबकि साइन हम किसे बोलेंगे, फिजिकल एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिजीज एजेंट को हम उसको साइन बोलते हैं। ये पर्टिकुलर डिजीज का साइन है, जैसे मोल्ड और फंगल स्पोर, बैक्टीरियल ओज, ये सब क्या कारण है कि पर्टिकुलर डिजीज़ वहाँ पर प्रेजेंट है, वो जो डिजीज़ है वो पैथोलॉजिकल है। जैसे एक एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है कि ब्लाइट के सिम्टम्स पोटैटो की लीफ पर दिखाई दे रहे हैं, देखो उसको हाईलाइट करके दिखाया गया, और जब हम उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो वहाँ कोनिडिया दिखाई देने लगते हैं, उस फॉर्म में कोनिडिया, इस तरीके से जो ब्लू स्लाइड में दिखाई दे रहा है, लेमन शेप्ड कोनिडिया दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है, डिजीज के सिम्टम्स एंड साइन होते हैं। इससे एक्स्ट्रा जो टर्म्स है, आगे जो टर्म की हम बात करें, सिंड्रोम, सिम्टम और सिंड्रोम में क्या मेन अंतर है, इम्पॉर्टेंट टर्म है कि कहाँ हमें सिम्टम्स वर्ड यूज़ करना चाहिए और कहाँ सिंड्रोम वर्ड यूज़ करना चाहिए। यदि हम शॉर्ट में कहें तो सिंड्रोम क्या होता है, एक्चुअल में बहुत सारे डिजीज़ के सिम्टम्स का एक ग्रुप होता है, जब बहुत सारे सिम्टम्स कम्बाइंड हो जाते हैं तो हम उसको सिंड्रोम वर्ड यूज़ करते हैं। डिफाइंड एज ए सिक्वेशनल अपीयरेंस ऑफ डिजीज सिम्टम्स ऑन ए प्लांट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज और सम टोटल ऑफ सिम्टम्स एग्जिबिट बाई ए डिजीज। डिजीज द्वारा हुए हुए सिम्टम्स की एक सिक्वेंस सीरीज को हम सिंड्रोम के अंतर्गत रखते हैं। तो को इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्लैक और नेक्रोटिक स्पॉट है, फिर ब्लाइट बना, फिर फंगल ग्रोथ हुई, और फाइनली उस प्लांट की या उस पार्ट की डेथ हो जाती है। तो ये कंडीशन कहलाती है सिंड्रोम की। सिंड्रोम डिफाइंड एज सिक्वेशनल अपीयरेंस ऑफ द डिजीज सिम्टम्स ऑन ए प्लांट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। तो सिम्टम्स वर्ड हमें कहाँ यूज करना है और सिंड्रोम वर्ड हमें कहाँ यूज करना है, जहाँ डिजीज के बहुत सारे सिम्टम्स का हमें सीक्वेंस दिखाई देगा वहाँ हम उसको सिंड्रोम वर्ड यूज करते हैं। अगर हम बात करें हेल्थ, फिर हेल्थ क्या है, अगर हम डिजीज़ के को लेके चलते हैं कि डिजीज़ क्या है, तो
हेल्थ को भी जानेंगे कि हेल्थ क्या है। द एबिलिटी ऑफ कैरी आउट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन एट ए एक्सेप्टेबल लेवल कंसिस्टेंट टू जेनेटिक पोटेंशियल। तो हेल्थ के किस व्यक्ति को हम हेल्दी कहेंगे, किस प्लांट को हम हेल्दी कहेंगे, वह प्लांट जो अपने सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करता है, प्रॉपरली परफॉर्म करता है, तो हम उसको हेल्दी मानेंगे। उसकी फिजियोलॉजी में जितने भी रिस्पायरेशन, ट्रांसपायरेशन, जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, रिप्रोडक्शन है, जितनी फिजियोलॉजी है, यदि प्रॉपरली वो वर्क कर पाता है तो उसको हेल्दी माना जाता है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन में हम इंक्लूड कर सकते हैं जैसे नॉर्मली सेल डिवीज़न, डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल एंड ट्रांसलोकेशन। सही से ट्रांसलोकेट कर पा रहा है, वाटर को सही से एब्जॉर्ब कर पा रहा है, उसके उसमें जो सेल डिवीज़न का प्रोसेस नॉर्मल चल रहा है, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस प्रॉपर चल रहा है, फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसलेशन ऑफ द सिंथेटिस यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ फोटोसिंथेटिस, मेटाबॉलिज्म एंड मेटाबोलाइट्स एंड सिंथेटिक रिप्रोडक्शन है, स्टोरेज और रिजर्व फॉर अदर ओवरविंटरिंग एंड रिप्रोडक्शन। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से कोई होस्ट हेल्दी कहलाता है। इससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं, जैसे ससेप्टेबिलिटी, एक नेक्स्ट टर्म होता है ससेप्टेबिलिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रहणशीलता। जिस प्रकार एक टर्म होता है रेसिस्टेंट, किसी पर्टिकुलर होस्ट का पर्टिकुलर डिजीज़ के प्रति जो रेसिस्टेंस पावर है, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता है, उस डिजीज़ को रोकने की क्षमता जो है वो रेसिस्टेंस कहलाती है। इसी प्रकार जो ससेप्टेबिलिटी है वो ससेप्टेबिलिटी रेसिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि उस डिजीज़ को रोकने में असमर्थता, किसी भी होस्ट की, पोषक की, उस डिजीज़ को रोकने में असमर्थता जो है वो ससेप्टेबिलिटी कहलाती है, ग्राहीशीलता बोलाती कहलाती है। इनएबिलिटी ऑफ द होस्ट टू रेसिस्ट द अटैक ऑफ द पैथोजन, जबकि रेसिस्टेंट क्या है, एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू रेसिस्ट द अटैक ऑफ द पैथोजन। पैथोजन को अपने अंदर एस्टेब्लिश करने से रोकने की क्षमता रेसिस्टेंस कहलाएगी। और ये दो प्रकार की, एक हॉरिजेंटल रेसिस्टेंस होता है, एक वर्टिकल रेसिस्टेंस होता है। अगला टर्म है टॉलरेंस। टॉलरेंस इज ए टाइप ऑफ द डिफेंस दैट मिनिमाइज क्रॉप लॉसेस विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग द डिजीज डेवलपमेंट। किसी भी पर्टिकुलर होस्ट की जो टॉलरेंस पावर होती है वो भी एक प्रकार की डिफेंस मैकेनिज्म के अंतर्गत आती है, जिसके अंतर्गत वो डिजीज़ को अपने अंदर डेवलप होने से रोकता है, और जो डिजीज़ से होने वाले लॉसेस हैं, डिजीज़ से होने वाले लॉसेस को मिनिमाइज करता है उस डिजीज़। नेक्स्ट टर्म डेवलप होता है हाइपर सेंसिटिविटी, इज द क्विक डेथ ऑफ द होस्ट टिश्यू इन द विक्टिमिटी ऑफ द पैथोजन। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि जैसे किसी पैथोजन की एंट्री होस्ट के अंदर हुई, होस्ट टिश्यू के अंदर हुई, और वो हाइपर सेंसिटिविटी के कारण डेथ, उसकी डेथ हो जाए, विक्टिमिटी की का मतलब आसपास पैथोजन की एंट्री के आसपास, इसके जो आसपास का जो एरिया है, पैथोजन के आसपास के एरिया की जो डेथ हो जाती है, एक प्रकार से डिफेंस मैकेनिज्म, सूट होल भी इस प्रकार से बनता है, डिफेंस मैकेनिज्म के अंतर्गत आता है। अभी डिजीज एस्केप, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द ससेप्टेबिलिटी होस्ट टू अवॉइड द डैमेजिंग डिजीज स्ट्रेस, जैसे अनफेवरेबल एनवायरमेंट, ग्रोथ हैबिट, डिजीज की एस्केप के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्लांट पैथोलॉजी पढ़ने से पहले हमें जो कुछ टर्म्स की जानकारी होना चाहिए कि कौन कौन से टर्म्स हम प्लांट पैथोलॉजी में यूज़ करते हैं, डिजीज एस्केप क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, डिजीज़ क्या है, टॉलरेंस क्या है, ससेप्टिबिलिटी किसके अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ
टर्म्स थे जो हमने डिस्कस किए, सिंड्रोम, सिम्टम्स, होस्ट, अल्टरनेट होस्ट, कोलेटरल होस्ट, पैरासाइट, पैथोजन, तो सारे टर्म्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पैरासाइट, पैथोजेनिसिटी, सिम्टम्स। अब बात करते हैं एक्चुअल में प्लांट पैथोलॉजी के ऑब्जेक्ट क्या हैं, प्लांट पैथोलॉजी हमें क्यों पढ़नी चाहिए, इसके ऑब्जेक्ट क्या हैं। तो ऑब्जेक्ट में हमें इसमें इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस एंड एपिडेमियोलॉजी एंड कंट्रोल मैनेजमेंट को हमें इसमें पढ़ना पड़ता है कि पर्टिकुलर डिजीज़ के जो कॉजेज़ हैं, उनके जो पैथोजन हैं, उसका लाइफ स्टाइल, उसका रिप्रोडक्शन का स्टाइल, उसकी पैथोजेनिसिटी की पावर, डिजीज़ का स्प्रेड होने के मेथड्स एंड किस प्रकार से इसको कंट्रोल करते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इसका इटियोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑरिजिन, कॉजेज और रीजंस, स्टडी ऑफ लिविंग, नॉन लिविंग एंड अदर कॉजेज ऑफ द डिजीज और डिसऑर्डर इन प्लांट्स कॉल्ड इटियोलॉजी। पहला ऑब्जेक्ट इसका इटियोलॉजी था, जिसमें हमें डिजीज की ऑरिजिन, कॉजेज, लिविंग एंड नॉन लिविंग कॉजेज ऑफ डिजीज, डिसऑर्डर्स इन प्लांट्स की स्टडी करनी होती है। दूसरा ऑब्जेक्ट है पैथोजेनेसिस, स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ डिजीज डेवलपमेंट, इनकी प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ द होस्ट बाय द पैथोजन, द फेज इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स होस्ट पैथोजन इंट्रैक्शन। यानी कि जब कोई भी पैथोजन होस्ट के अंदर अपने आप को एस्टेब्लिश करता है, डिजीज़ को डेवलप करता है, किस प्रकार से इन्फेक्शन करता है, कॉलोनाइजेशन करता है, और होस्ट पैथोजन के बीच जो इंट्रैक्शन होता है उसमें कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं, ये हमने स्टडी करना होता है। ये आता है पैथोजेनेसिस के अंतर्गत। नेक्स्ट टर्म है एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी इसके अंतर्गत आता है स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द कॉजल एजेंट एंड द डिजीज प्लांट इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट कंडीशन, जनरली एट द पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल पर हमें प्लांट्स और जो कॉजल एजेंट है उसके रिलेशन को, इंटरेक्शन को, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन के बीच उसका इंटरेक्शन होता है उसको स्टडी करना होता है। अगला है कंट्रोल मेथड, कंट्रोल या मेथड या उसका मैनेजमेंट, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द डिजीज़ लैंड रिडक्शन ऑफ द लॉसेज कॉज बाय देम, कंट्रोल, उनको कंट्रोल करना डिजीज़ को। हम यदि को डिजीज़ को होने से पहले कौन कौन से हम प्रिवेंटिव मेथड यूज़ कर सकते हैं और होने के बाद कौन कौन से क्यूरेटिव मेथड बना को यूज़ किया जा सकता है, यानी कि कुल मिलाकर हमें डिजीज़ को कंट्रोल करना, ये प्लांट पैथोलॉजी के ऑब्जेक्टिव हैं। इस प्रकार हमने ऑब्जेक्टिव एंड टर्म्स पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ेंगे।